अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ मेडिकल इंस्ट्रक्टर, मेडिकल डेमोंस्ट्रेटर, ईएमटी यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और शिफ्ट इंचार्ज की ईटा टेस्ट का दूसरा हिस्सा। इसी पहले दोस्तों, पार्ट वन की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। पार्ट वन में हमने 34 तक सवाल हल की थी। हमारे पास सवाल नंबर 35 है। अ पेशेंट इज डायग्नोस्ड विथ कैंसर, ही कंप्लेन ऑफ अ लॉस ऑफ एपेटाइट। एक मरीज है जो कि कैंसर का बीमार है और वो कंप्लेन करता है कि उसे भूख नहीं लगती। द नर्स शुड इंश्योर दैट द पेशेंट शुड ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड। तो नर्स क्या करेगी, उसी क्या कहेगी कि आप कौन से खाना खा लीजिए। एक कैंसर की मरीज को ब्रेड, पास्ता और पोटैटो जो है ये देनी चाहिए। व्यूअर्स, एक नर्स उसको रिकमेंड करेगा हाई प्रोटीन वाला खुराक। तो यह करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 36 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड प्रैक्टिस फॉर द नर्स टू काउंट एपिकल पल्स पर फुल 1 मिनट्स। तो यह पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है। रिपिया इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल, चेंज इन टू पीस वाइज। चॉपिंग का मतलब है काटना। रुपया इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर वेजिटेबल और नॉट बीइंग चॉप बाय रुपया करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 38 है। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर ए नहीं है, इंडेक्सेस, इंडेक्सेस भी है और ऑप्शन नंबर बी भी है, इंडाइसेस। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए जो है ये गलत है, ए और बी ये दोनों ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। सवाल नंबर 39 देखिए व्यूअर्स। माई टीचर लिव्स नियर आवर विलेज, डैश वेलकम टू आवर होम, चूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। यहाँ पर मुनासिब प्रोनाउन दोस्तों दे लगेगा, दे वेलकम टू आवर होम। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 40 है। द बॉय डैश वॉच्ड द मैच बिफोर हिज फ्रेंड्स केम। व्यूअर्स, पास्ट टेंस के लिए हैड लगाया जाएगा। द बॉय हैड वॉच्ड द मैच बिफोर हिज फ्रेंड्स केम। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 43 है। ही सेड टू मी यू विल ओबे योर पेरेंट्स, चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी यू विल ओबे योर पेरेंट्स, ही टोल्ड मी दैट आई शैल ओबे माई पेरेंट्स। तो यह करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 42 है। शी इज स्टेइंग इनसाइड बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड, बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड। यह अंडरलाइन किया गया है, नेम द अंडरलाइन क्लाज। ही सबऑर्डिनेट क्लाज है, यह ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 43 है। आई सा डैश 1000 रुपी नोट अंडर द चेयर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। व्यूअर्स, अगर यहाँ पर सिर्फ नोट लिखा होता तो फिर ए लग जाता यहाँ पर कि आई सा अ नोट, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक नोट की बात हो रही है, 1000 रुपये की नोट की। तो यहाँ पर दी लगेगा, आई सा द 1000 रुपी नोट अंडर द चेयर। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 44 है। वॉट इज़ द सिंगुलर ऑफ कोकोस। कोकोस का सिंगुलर ऑप्शन डी है, कोको। सवाल नंबर 45 है। देश की यहूदियों ने मुसलमानों के खात्मा के लिए कबाइली अरब को जंग पर उकसाया। व्यूअर्स, बनु नज़ीर ने मक्का जाकर अरब को हर किस्म की यकीन दहानी कराई और उनको मदीना पर हमला करने के लिए उकसाया था बनु नज़ीर ने। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 46 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड आफ्टर द मेजर ऑपरेशन और इंजरी। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, यह ऑप्शन डी लगेगा। सवाल नंबर 47 है। द मेंटेनेंस रेशियो ऑफ कैलोरी नाइट्रोजन पर इन्फेंट इज 50/1। यह पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है। एपिगैस्ट्रिक पेन यूजुअली एराइज फ्रॉम विच रीजन फॉर गट स्ट्रक्चर्स। यह पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 49 है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू द टोटल बॉडी वेट इन नॉर्मल पर्सन, 60%। यह ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 50 है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी पोटाशियम इज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ अ पर्सन। इंट्रा सेलुलर की अगर बात की जाए तो वह 98% होती है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ अ पर्सन ये 2% होती है। यह ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 51 है। व्हाट आर द बेस्ट ट्रीटमेंट मोडिलिटाइज फॉर सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस दोस्तों जिल की नीची खुलवी रेशी की सोजश को कहा जाता है। इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट इमोबिलाइजेशन एलिवेशन एंटीबायोटिक्स है, कंप्रेशन आइस एंटीबायोटिक्स सी भी करेक्ट है, और ऑप्शन सी आइस एलिवेशन और एंटीबायोटिक्स सी भी करेक्ट है। तो ये तमाम ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ देम। सवाल नंबर 52 है एन एप्सिस इज बेस्ट ट्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एप्सिस दोस्तों पीप को कहा जाता है, जिस्म का वो हिस्सा जो कि पेप से भरा हुआ हो। व्यूअर्स एप्सिस का इलाज जो है एंटीबायोटिक के जरिए किया जाता है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। तो व्यूअर्स ये रहा शिफ्ट इंचार्ज मेडिकल टेक्नीशियन डेमोंस्ट्रेटर और इंस्ट्रक्टर के टेस्ट का दूसरा हिस्सा। इसी टेस्ट के बाकी सवाल भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।